हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के विलेज लाइफ कैसे होती है, वहाँ के ग्रामीण लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं और जीवन जीने के लिए क्या काम करते हैं, और साथ में घुमाएंगे अमेरिका का एक सुंदर सा गांव। अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों को कंट्री साइड भी कहा जाता है। यहाँ पर अधिकांश लोग जो भी ग्रामीण एरिया होते हैं उनको कंट्री साइड कहके ही पुकारते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में, ताकि हम आपको अमेरिका के ग्रामीण जीवन की पूरी जानकारी सही तरीके से दे सकें। पहले पार्ट में अमेरिकन विलेज इंट्रोडक्शन, इसमें हम आपको अमेरिका के गांव को घुमाएंगे और गांव के बारे में जानकारी देंगे। सेकंड पार्ट में अमेरिकन विलेज लाइफ और विलेज कल्चर के बारे में बताएंगे और समझेंगे अमेरिकन के ग्रामीण लोग की दिनचर्या कैसे होती है। थर्ड पार्ट में जानेंगे अमेरिका के गाँव के लोग क्या काम करते हैं, वहाँ के किसान भाई क्या खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन में कौन से पशुओं को पालते हैं, और पशुपालन की क्या टेक्नोलॉजी होती है, कैसे उनके डेयरी फार्म होते हैं, किस तरह से डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं अमेरिकन विलेजर वर्क टाइप में। और लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में जानेंगे अमेरिकन विलेज पीपल इनकम, वहाँ के गाँव के लोग कितना कमाते हैं। फर्स्ट पार्ट, अमेरिकन विलेज इंट्रोडक्शन। यह विलेज अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में पड़ता है। गांव का नाम है क्लेसबर्ग। अमेरिका में गांव को सब अर्बन, कंट्रीसाइड या फिर स्मॉल टाउन भी कहा जाता है। अमेरिका में ज़्यादातर गांव काफ़ी कम आबादी वाले होते हैं। क्लेसबर्ग, इस गांव की आबादी भी क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी कम है। केवल 500 परिवार यहाँ पर रहते हैं। दिखने में अमेरिका के गाँव काफ़ी सुंदर, हरे भरे और वेल डेवलप्ड होते हैं, और अधिकांश गांव के लोग संपन्न और समृद्धशाली होते हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं अमेरिकन गांव कैसे होते हैं, वहां के घरों के डिज़ाइन, गांव की सड़कें, गलियां और गांव के नज़ारे, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि अमेरिकन गांव किस तरह के होते हैं और उनके जो मोहल्ले होते हैं गाँव के, उससे इन वीडियो से हमें एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ के गाँव वाले, इनका प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग यानी खेतीबाड़ी और पशुपालन का है। अमेरिकन किसानों के पास खेती के लिए ज़मीन काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि वहाँ पर गांव में आबादी काफ़ी कम है। एक किसान परिवार के पास औसतन 200 एकड़ से 300 एकड़ तक ज़मीन होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें भारत से, इंडिया से, तो यहाँ पर स्मॉल मीडियम फार्मर के पास औसतन 10 एकड़ से 15 एकड़ तक ज़मीन होती है। क्योंकि अमेरिका में किसानों के पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर खेतीबाड़ी भी काफ़ी बड़े स्तर पर की जाती है। हेलो दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको अमेरिकन विलेज लाइफ एंड विलेज कल्चर, किस तरह से अमेरिकन के जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, वहाँ के गांव वाले होते हैं, कैसा अपना उनकी दिनचर्या रहती है, किस प्रकार के उनके घर होते हैं। तो आप देख सकते हो, ये उनका पूरा एक घर है। जो घर होता है उनको वहाँ पर रेंच कहा जाता है, क्योंकि इनके घर के पास ही इनके पशुपालन के लिए भी पूरी ज़मीन होती है, जहाँ पर ये अपने पशुओं को रखते हैं, ये उनको रेंच कहा जाता है। तो घर के अधिकांश रूप में घर के पीछे ही इनके रेंच बने होते हैं बड़े बड़े, ताकि ये पशुओं को चरा सके, उनको वहाँ बांध सके, उनके लिए उनका डेयरी फार्म होते हैं। और ये पूरा इनका घर है, तो काफ़ी बड़े, बहुत ही बड़ा घर है। पूरे अमेरिका में इसी तरह के कंट्री साइड में किसानों के घर होते हैं, और ये भी स्मॉल फैमिली फार्म किसान है, ना कि कोई बहुत बड़े किसान है। ये औसतन घर ऐसे ही मिलेंगे आपको, ये इनका पूरा घर होगा, इसके पीछे इनके रेंचेस होंगे। अब ले चलते हैं आपको इनके घरों के अंदर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक आम किसान का, एक एवरेज अमेरिकन फार्मर का घर कैसा होता है दिखने में। तो ये अंदर से आप देख सकते हो, जो घर बहुत ही साफ सुथरा और काफ़ी बड़ा स्पेशियस घर है। और जो आप पूरा घर देखिए, जो घर में, घर के पीछे ही जो एक खिड़कियों से आप देख सकते हो, तो इनके ये रेंचेस हैं, जहाँ पे ये अपने मवेशियों को रखते हैं, अपने पशुओं को रखते हैं सभी। ये यहाँ पे किचन में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, अपने इनकी जो भी दिनचर्या होती है घरों में, खाना बनाना जो आमतौर में हर जगह होता है। और उसके बाद अधिकांश समय अमेरिकन फैमिली फार्मर किसान भाई अपने पशुपालन और अपने खेतों में ही बिताते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कमाई, इनका पूरा जो व्यवसाय होता है वो खेतीबाड़ी या फिर पशुपालन पे ही, पशुपालन से ही होता है। सो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं अमेरिकन के गांव वाले किस तरह का काम करते हैं। सो आप देख सकते हो, ये है यहाँ का डेयरी फार्म, इसके अंदर चलते हैं।
और दिखाते हैं आपको अमेरिकन थर्ड पार्ट में अमेरिका के जो गांव वाले किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि गांव में हर गांव में काम एक ही प्रकार का होता है, पशुपालन या खेतीबाड़ी, लेकिन उसको करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यह अंतर हमें अमेरिका में साफ देखने को मिलता है कि गांव में एक एक किसान परिवार के पास 100 से 200 गाय तक होती हैं, यह आम होती हैं। और जिस तरह का इनका एक डेयरी फार्म होता है वो बहुत ही बड़े स्तर का होता है, सारी आधुनिक सुविधाओं से। या आप देख सकते हो अभी यहाँ पे गायों को इनका सैन सफाई का काम चल रहा है, तो पूरी मशीनों के द्वारा ये अपने आप ऑटोमेटिक मशीन से यहाँ पे गायों को सफाई की जाती है। रही बात गायों से दूध निकालने के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ भी मशीन लगा रखी हैं, मशीनों से गायों का दूध निकालते हैं, उन दूधों को इनके जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं उनमें रखा जाता है, और फिर वो सारे एक कंटेनर के अंदर रखे जाते हैं और पास के जो भी इनका मार्केट होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हो इससे अंदाज़ा आ जाएगा कि जो अमेरिका के किसान होते हैं कितने ज़्यादा मॉडर्न और कितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अभी सारा जो इनका दूध था ये आप देख सकते हो इस डब्बे के अंदर आ चुका है, इसी तरह से जितने भी गायों का दूध निकालते हैं और सारा का सारा दूध ये फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बड़े स्तर पर डेयरी फार्म करता है। अब चौथे भाग में बात करते हैं अमेरिकन विलेज फार्मर इनकम, या फिर ये कहिए अमेरिका में जो खेतों में काम करते हैं वह लोग कितना कमा लेते हैं, और जो अमेरिका में किसान भाई हैं जिनके अपने खेत होते हैं उनकी कितनी कमाई होती है। तो पहले हम आपको बताते हैं जो अमेरिका में खेतों में दिहाड़ी मजदूरी में काम करते हैं उनकी कमाई एक दिन के करीबन 100 से 120 डॉलर की कमाई होती है, यानी वहाँ पे $15 प्रति घंटे के आसपास आपको मिल जाते हैं, और जितना घंटा आप काम करोगे उसके हिसाब से। तो अमूमन आप 6 या 7 घंटे 8 घंटे वहाँ पे काम करते हो तो $15 के हिसाब से 8 घंटे के हिसाब से आपको $120 मिल जाते हैं, और जो महीने के हिसाब से जितने दिन आप काम करोगे उतना आप कमा लोगे। तो औसतन वहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूरी का जो लोग होते हैं वो $4,000 महीने का कमा लेते हैं। तो आप उसको हिसाब लगा सकते हो कि एक महीने में $4,000 कितना हो गया इंडियन करेंसी में। और जो अमेरिकन जो फार्मर हैं जिनकी अपनी ज़मीन होती है, तो अमेरिका में 90% लोग स्मॉल फैमिली फार्म हैं जिनकी अपनी ज़मीन होती है, इनके पास 200 एकड़ तक ज़मीन होती है। और जब बात की जाए इनकी कमाई की, इनकी औसतन कमाई साल की $1,00,000 से $1,20,000 के आसपास रहती है। यह कमाई औसतन एवरेज कमाई है, ये डिपेंड करता है कि किस किसान भाई के पास कितनी ज़मीन है और वह उस ज़मीन में कितनी किस प्रकार की खेतीबाड़ी करता है, लेकिन औसतन यही माना जाता है कि $1,00,000 से $1,00,000 से लेकर $1,20,000 तक इनकी कमाई होती है। आप इसको इंडियन करेंसी में कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।